मैं जितेंद्र कुमार डिसमस के कॉलम बेस चैप्टर के प्रथम लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉलम बेस होता क्या। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यदि आप कभी रेलवे स्टेशन अगर आप जाते हैं तो वहां पे जो है प्लेटफार्म पर शेड लगे होते हैं, जो कि एक आपका कैची की स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें देखते हैं जो कॉलम लगा होता है वो स्टील का होता है या आपका आयरन का होता है, ठीक है। आई खंड होता है, चैनल खंड भी हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चित्र आप देख रहे हैं। तो एक्चुअली अगर ये नीचे प्लेट एक लोहे की प्लेट ना लगाई जाए, उसको डायरेक्ट अगर हम मान लीजिए कंक्रीट रख दें और कंक्रीट की बेयरिंग कैपेसिटी कम है, उस कंडीशन क्या होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, ठीक है, जो कनेक्टेड एरिया इसका है आई खंड का वो कम है, तो क्या होगा, ये एक ही जगह लोड डालेगा और वो इसमें जो है धंसने का जो कि आपका जो है धंसने के चांस जो है बहुत अधिक हो जाएंगे, कॉलम उसमें धंस सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके लोड को अधिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे एक प्लेट लगा देते हैं जिससे पीछे पंचिंग ना हो, जिससे धसे ना, ठीक है। आप लोग इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो स्तंभ आधार की अगर बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक स्लैब आधार होता है, एक आपका गसेट आधार होता है। तो स्लैब आधार की बात करें तो ये आपका स्लैब आधार है, देखिए इसमें प्लेट लगी होगी, कॉलम नीचे प्लेट वेल्ड होगी, इसके नीचे आपका कंक्रीट का स्लैब जो है कंक्रीट ब्लॉक बना होगा। अगर हम बात करें गसेट आधार की, तो गसेट आधार क्या होता है कि अब इसकी ये जो पोर्शन है, जैसे ये आपका इसे प्लेट से अटैच है, ये प्लेट से अटैच ना होकर यहाँ पे गसेट प्लेट लगी होगी, गसेट प्लेट के ऊपर इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तभी हम बात कर रहे हैं स्लैब आधार की। तो स्लैब आधार के बारे में आप पढ़ेंगे कि इसकी डिजाइन कैसे करते हैं। तो डिजाइन के अंतर्गत सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें मुख्य दो भाग होंगे। पहला कि आपका मान लीजिए ये दिया रहेगा जो कॉलम का मतलब जो आपका कॉलम यूज हुआ है कि कौन सा खंड है, आई खंड है, तो इसमें आई खंड के अंतर्गत कौन सा खंड है वो दिया रहेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, यही आपका प्लेट की साइज ज्ञात करनी है। प्लेट की साइज क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, तीन चीजें ज्ञात करनी है। तो अगर वर्गाकार होगा दोनों साइड में आपका सेम सेम भुजा हो जाएगी, तो वर्गाकार मान कर लगाते हैं आप, तो ठीक है। आयताकार है तो आयताकार में क्या करेंगे आप, तो उसमें भुजा अलग अलग आएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक आपका होगा यही होगा प्रथम चरण, मतलब प्रथम चरण के अंदर जो भी आपका स्टेप है इसमें क्या करेंगे आप, प्लेट की साइज ज्ञात करेंगे और मोटाई मतलब पूरा परिमाप ज्ञात करेंगे जो बेस प्लेट है। दूसरा खा इसमें खंड होगा जो ज्ञात करना होगा, वो होगा नीचे से कंक्रीट ब्लॉक, इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी होगी, जो कंक्रीट ब्लॉक आप बनाएंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अब स्लैब आधार का अभिकल्पन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें गिवन डाटा क्या हो क्या होगा, गिवन डाटा में होगा स्तंभ का विवरण, जिसे स्तंभ का प्रकार जो भी होगा वो दिया रहेगा और एक्सियल लोड दिया रहेगा, ठीक है, एक्सियल लोड जितना से जो है लोड आ रहा है कॉलम पर। और कंक्रीट में अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल, अब बात हो रही कंक्रीट में अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल का यूज होगा, तो जो ये प्लेट होगा प्लेट लोड ट्रांसफर करेगा सीधे कंक्रीट पर, ठीक है। अब कंक्रीट का जो है प्रतिबल क्या है, तो उसी के अनुसार इसकी स्ट्रेंथ निकाले कंक्रीट की भी, ठीक है। तो नहीं तो अगर मान लीजिए कम होगा तो ये फेल हो सकता है। तो जब भी आप कॉलम बेस जब अगर हम जो है ये आपका कॉलम बेस निकालेंगे, उस कंडीशन में कंक्रीट में संपीड़न अनुमत प्रतिबल चाहिए। अगर हम बात करें कंक्रीट की, तो इसके नीचे कंक्रीट के नीचे जो है आपका कंक्रीट नीचे कौन सा लोड जो है वियर करेगा, इसके नीचे मिट्टी होगी, तो मिट्टी का चाहिए। जब अभी आगे वाले देखेंगे जो आपका सेकंड खंड होगा उसमें दोनों दिया रहेगा, बट इसमें आप अगर आपको केवल प्लेट ज्ञात करना है, प्लेट की साइज ज्ञात करना है, मतलब स्लैब आधार ज्ञात करना है केवल, तो उस कंडीशन में आपका कंक्रीट में अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल दिया रहेगा। तो टू फाइंड आउट क्या करना भाई, जो प्लेट है उसका परिमाप आपको निर्धारित करना है। तो स्टेप फर्स्ट में चलेंगे, सॉल्व करेंगे स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, प्लेट का आवश्यक धारण क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कि उस लोड को वहन करने के लिए मतलब कितना क्षेत्रफल रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपको हमने कितनी बार बताया है आप समझ जाएंगे कि आपका जो है बल आपका प्रतिबल बराबर का तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आपको जब क्षेत्रफल निकालना है तो जो लोड आ रहा है उसके बटे प्रतिबल आप कर देंगे, ठीक। तो आप क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब डब्ल्यू क्या है, जो आपका एक्सियल लोड आ रहा है उसके कॉलम पर। इसके बाद में सिग्मा सी सी क्या है, सिग्मा सी सी क्या है आपका अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल किसमें है, कंक्रीट का, ठीक है। अब इसके बाद में स्टेप सेकंड में आ जाइए,
स्टेप सेकेंड क्या करना, स्टील टेबल सहायता दिए गए स्तंभ का विवरण जैसे ISMB 250, ISMB 350, ISMB 4 जो भी दिया रहेगा, हम क्या करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। दो ही प्रॉपर्टी लिखनी, इसकी क्या गहराई कितनी है, तो गहराई कहाँ से कहाँ तक, जैसे ISMB 350 मतलब डी टोटल 350 हो जाएगा। और ये बी क्या है, बी देखिए फ्लैंज की चौड़ाई होती, ठीक है, फ्लैंज की चौड़ाई। अब आप देखिए हमने बताया था फ्लैंज क्या, अब देखिए फ्लैंज की बात करें तो वेब क्या होगा, फ्लैंज क्या होगा, अभी देख लेते हैं। चलिए ये आपका वेब होता है, आपका फ्लैंज होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक आप देखिए परिचित्र समझ लीजिए, ये देखिए एल के एल वन एल टू है, अगर आयताकार होगा तो ये प्लेट है, इसकी यहाँ से यहाँ तक एक भुजक लंबाई है आपकी, दूसरी भुजक लंबाई। और ये आपको देखिए यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ बी है, ये आपके प्रक्षेप है। प्रक्षेप बोले तो जैसे आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, इसके बाद में जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, एक ये दूरी होगी और एक ये दूरी होगी, ठीक है, ये दोनों प्रक्षेप होंगे। अगर मान लीजिए दोनों प्रक्षेप समान है, उस कंडीशन क्या हो जाएगा, तब आधार प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार प्लेट आपकी टोटल यही है ना, हम क्या कर रहे हैं इधर वाले को समान मान रहे हैं, इधर वाले को हम जो सेम मान रहे हैं, तो उस कंडीशन में आधार प्लेट का क्षेत्रफल देखते हैं डी, तो डी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ डी है, ठीक है, डी प्लस टू ए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक भी ये है, दोनों मिला टू ए हो जाएगा इन टू, ठीक है, तो एक आपका एल वन मिल गया है, डी प्लस टू ए हो जाएगा। और एल टू की बात अगर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक बी है, और ये भी आपका जैसे ये आपका बी यहाँ से यहाँ तक था ना, देखिए कैपिटल बी यहाँ से यहाँ तक है, दोनों जोड़ देंगे तो आपका ए बराबर बी है, तो यहाँ पे टू ही हमने जो है हमने रख दिया। और इसके बाद में स्टेप थर्ड में आ जाइए, स्टेप थर्ड क्या कर रहा है, तो एपी मतलब जो आपने एपी निकाला फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, एरिया प्लेट उसको यहाँ रख देंगे, और डी का मान तो पता हो जाएगा, स्टील टेबल मतलब जो उसमें दिया जाएगा डी पता हो जाएगा, बी पता हो जाएगा। अब यहाँ से एक मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एक मतलब ए आपका एरिया नहीं, यहाँ से एक प्रक्षेप का मान निकलेगा, जब प्रक्षेप का मान निकल जाएगा इसके बाद में आधार पट्टी का माप आपको निर्धारित कर लेना, कैसे करेंगे, तो डी प्लस टू ए प्लस बी प्लस टू ए, मतलब एक भुजक लंबाई जो होगी डी प्लस टू ए होगी, दूसरी भुजक लंबाई बी प्लस टू ए हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से आधार पट्टी का की या प्लेट के परिमाप को हम निर्धारित कर लेते हैं। स्टेप फोर में आइए, अब आपको जो है मान लीजिए भुजाओं की लंबाई मिल गई है, तो ए अगर आयताकार होगा तो प्लस ठीक है, ठीक है, वैसे भी अगर आपको आयताकार होगा तो आप वहीं निकाल सकते हैं, जैसे आपका यहीं से सीधे इस कंट्रोल करके भी निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए स्टेप फोर, अब इसमें मोटाई ज्ञात करना, दोनों भुजाओं की लंबाई मिल गई जब आपको, तो मोटाई ज्ञात करना है, उसकी थिकनेस कितनी, टी बराबर क्या होगा, अंडर रूट थ्री डब्ल्यू बाई सिग्मा बी एस अंडर रूट सॉरी कोष्टक में ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर, ये फोर है केवल बी के मतलब बी के बटे है ये, समझ गए। अब देखते हैं बात करते हैं डब्ल्यू क्या, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू बटे प्लेट का क्षेत्रफल। अभी प्लेट का क्षेत्रफल कौन सा यूज करेंगे आप, जो आपने यहाँ प्लेट के पर आपकी माप आई है, जो आपने जो भी माना है उसको आप यहाँ यूज करेंगे प्लेट का क्षेत्रफल, स्मॉल डब्ल्यू निकालने में, इस तरह स्मॉल डब्ल्यू निकल जाएगा। और सिग्मा बी एस की बात करें तो ये 185 लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा समझ लीजिए इसको 185 यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्टिक मार आप निकालेंगे, और ये क्या है आपका, ये प्रक्षेप की लंबाई है और बी दूसरे प्रक्षेप की लंबाई, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे आप देख लीजिए, प्लेट की बड़ी भुजा की लंबाई माइनस टी, ठीक है, प्लेट की बड़ी भुजा की लंबाई जो आपने प्लेट माना है, अब उसकी जो है आपकी जो उसमें बड़ी भुजा होगी उसकी लंबाई माइनस डी, मतलब कि जो आपका खंड है उसकी गहराई बटे दो कर देंगे। उसी प्रकार से इस आपका बी निकालेंगे, प्लेट की छोटी भुजा की लंबाई माइनस बी बटे दो। अब इसके बाद में कंप्लीट आपका यहाँ से हो जाएगा, टी भी मिल जाएगा और उसको आप नोट कर लेंगे, तो प्लेट का निर्धारित हो जाएगी प्लेट आपकी वहां से। इसके बाद हम बात करें कंक्रीट ब्लॉक का विकल्प, कंक्रीट ब्लॉक क्या होगा, ये फिगर आपने अभी देखा था, दिखाते हैं आपको फिर से, देखिए ये आपको होता है कंक्रीट ब्लॉक, ये कंक्रीट ब्लॉक है, अब इसकी ये भुजा और इसकी थिकनेस ज्ञात करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए, कंक्रीट ब्लॉक का विकल्पन,
तो इसमें देख दीवार डाटा क्या अच्छी संपीड़न भार, ठीक है, डब्ल्यू का मान दिया रहेगा, मृदा की धारा क्षमता दिया रहेगा, कंक्रीट धारा क्षमता दिया रहेगा, यहाँ दो, यहाँ दोनों दिया रहेगा, आधार प्लेट की माप भी दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप इसके पहले जो भी अपने आधार प्लेट की माप निर्धारित किया उससे आप निर्धारित कर लेंगे। देखिए हमने कहा यदि आधार प्लेट की माप प्रश्न में नहीं दिया है तो पहले क्या करेंगे उसका विकल्पन करके उसकी परमाप को निर्धारित कर लेंगे जो भी आपने जस्ट किया है। अब चलेंगे कब इसके बाद में फाइंड आउट क्या करना, कंक्रीट ब्लॉक का परिमाप इसमें ज्ञात करना है, परिमाप मोटाई, ठीक है, मतलब कि टोटल तीन इसमें डायमेंशन ज्ञात करने हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। तो स्टेप फर्स्ट में देखेंगे, देखिए मृदा पर आने वाला कुल भार ज्ञात करेंगे, उसके लिए मृदा पर जो कुल भार आएगा उसमें जो दिया हुआ अच्छी भार उसमें 1.2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 20% अतिरिक्त लेते हैं। स्टेप सेकेंड में आएंगे, कंक्रीट ब्लॉक के परिमाप का निर्धारण करेंगे, कंक्रीट के आधार का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, डब्लू जो आपका डब्लू, देखिए ये डब्लू, ठीक है, जो यहाँ पर आपने ज्ञात किया उसका मान आपने यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे मतलब अगर स्मॉल डब्लू की बात करें जो आपका एक्सियल है तो वहाँ 1.2 गुणा कर दीजिए, अगर आप 1.2 गुणा कर दिए सीधे सीधे यहाँ मान रखेंगे, और मृदा की धारण क्षमता जो दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा वो उसे आप भाग दे देंगे तो आपका कंक्रीट का आधार का क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा स्टेप सेकेंड में। इसके बाद में ये वर्गाकार मान लीजिए, ठीक है, माना वर्गाकार है तो उस कंडीशन में भुजा की लंबाई क्या करेंगे, जो आप ये निकाले हैं एक आपका मान है अंडर रूट कैपिटल ए कर देंगे तो एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी। स्टेप थर्ड में आइए, अब मोटाई ज्ञात करना है तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई ज्ञात करने की क्या करेंगे, मोटाई बराबर कंक्रीट के आधार की माप, ठीक है, कंक्रीट के आधार की माप माइनस आधार प्लेट की माप, ठीक, कंक्रीट के आधार की माप माइनस आधार प्लेट की माप बटे दो। अब इस फार्मूले से आप क्या करना है, आपको यहाँ से टी मिल जाएगा। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया, तीनों डायमेंशन इसमें मिल गया, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या करा, एक स्तंभ, देखिए क्वेश्चन दिया ना, एक स्तंभ है जो कि कौन सा है, दिया IS HB दिया 300 एट द रेट जो के लिए आधार स्लैब, ठीक है, आधार स्लैब का विकल्प है जिस पर 800 किलोमीटर का अच्छी भार आ रहा है, आधार पट्टिका सीमेंट कंक्रीट के तल पर रखी है जिसकी सुरक्षित भार धारा क्षमता 4 N/m² कंक्रीट में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आप गिवन डाटा लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इतना तो मिल गया। अब आपको स्लैब आधार का विकल्पन करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में आएंगे, ठीक है, प्लेट का एरिया ज्ञात करेंगे, रिक्वायर्ड जो होगा तो 800 किलोन्यूटन है तो उसको मिनीन्यूटन कन्वर्ट करेंगे, 1000 गुणा करेंगे बटे 4 करेंगे, 4 क्या है, 4 का आपका कंक्रीट में अनुपात प्रतिबल है, इस तरह से 200 × 10⁻³ आ जाएगा। स्टेप सेकंड में आएंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसकी गहराई जो होगी, जो आपका कलम यूज होगा उसके 300 mm और उसके फ्लैंज की चौड़ाई है 250 mm। स्टेप थर्ड में आएंगे, अब देखिए माना दोनों प्रक्षेपों की लंबाई जो है समान है, उस कंडीशन में आपने क्या किया है, आपने फार्मूला लगाया है, एपी बराबर आपने ये फार्मूला रख सकते हैं, एपी का मान आपने यहाँ से निकाला है, एपी का मान हमें यहाँ रख दिया, अब यहाँ से देखिए एक मान निकल गया, पाइथागोरस में धराचार्य है, हाँ उसके बाद में आप यहाँ से ये निकाल देंगे, एक मान निकल गया और ये आपका ए एरिया नहीं है, बस ध्यान रखेंगे ये प्रक्षेप का मान है। इसके बाद में आधार पट्टी का माप आप निर्धारित करेंगे, एक मान रख करके ये जो आपने एक क्वेश्चन बनाया था इसमें देख लीजिए एक मान रखेंगे, इस तरह से आपका एक भुजक लंबाई 473 दूसरे 423 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 500 और 450 का जो है साइज का प्लेट मान लेंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे, ये प्लेट का परिमाप तो निर्धारित आपने कर लिया, अब स्टेप फोर में आइए, इसकी थिकनेस कितनी है वो कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला अंडर रूट 3W/σBS कोष्ठक में a² - b² / 4/4, ठीक है, इसका डब्ल्यू का मान आपको निकालना, डब्ल्यू का मान 800 दिया था, 800 किलोमीटर उसे न्यूटन होने कन्वर्ट किया है, तो 800 × 10³ मतलब 1000 गुणा करके न्यूटन कन्वर्ट हो गया। अब ये एरिया प्लेट है तो एरिया प्लेट आपको देखिए कितना कितना आपने माना 500 × 450, तो ये आपका आ गया है स्मॉल डब्ल्यू मान 3.55 N/mm². उसी तरह एक मान निकालेंगे, एक मान क्या है लंबी भुजा 500 आपने माना है माइनस आपका जो डी है गहराई 300 है बटे 2, तो यहाँ 100 mm आ गया है, उसी तरह से बीक मान निकालेंगे तो 450 - 250, ठीक है, बटे 2 करेंगे भी 100 mm आ गया, मैंने मान रख दिया है, इसमें मान रखने पर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 20.8 mm, मतलब हम अप्रोक्सीमेट 22 mm को मान लिया है। इस तरह से प्लेट की माप जो हमारे लिए हमने निर्धारित किया है वो 500 × 450 × 22 mm, ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल आपका हल हो गया।
और नोट्स बनाते रहिए, क्लास रेगुलरली बनाइए और जितना जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। पेपर तो होना ही है, पेपर होगा ही, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। धन्यवाद।